कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो सेल के बारे में हमने पढ़ा था, सेल का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ क्या चीज है? ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स जस्ट इसका नाम है, एक्चुअली फोर्स नहीं है, ये है एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, ये डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस क्लास में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम एनर्जी व्हिच अ सेल कैन प्रोवाइड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रूआउट द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ। सो ईएमएफ इज द मैक्सिमम एनर्जी, दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड वेयर, वेयर दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड in the resistance across the circuit, plus a part of energy is consumed due to internal resistance of the cell itself. तो ये equation हमने already पढ़ा था। यहाँ से अगर हम current calculate करें circuit में current, then it will be EMF minus potential difference by internal resistance. ऐसे calculate कर सकते हैं, E माइनस वी बाई आर, ठीक है। या फिर एक तरीका यह है कि V को लिखें आई आर प्लस आई आर। ये V क्या चीज था? ये V था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहां से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने आई आर लिखा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आई आर क्यों लिखा? व्हाई वी हैव रिटन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर। तो अगर पिछले क्लास को याद करें तो आई आर क्या चीज था? व्हाट वाज कैपिटल आर? कैपिटल आर था रेजिस्टेंस इन द सर्किट आउटसाइड द सेल, और यू कैन से लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस था, तो लोड रेजिस्टेंस में करंट मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। And why the potential difference across the load resistance is equal to terminal potential difference? All this discussion already it has been done. So in place of terminal potential difference, we can write IR. So if we calculate current from this relation, then I comes out to be E by R plus R. So इस equation को भी अगर थोड़ा एनालाइज करें तो हमें क्या समझ में आता है? I इक्वल टू ईएमएफ बाय लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसा कह सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है R प्लस R, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस मींस द लोड रेजिस्टेंस प्लस द रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ही सर्किट में लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है? और कैपिटल आर, ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये सिंगल सेल के लिए है, सिंगल सेल हमने यूज किया है, बाहर में सिंगल लोड लगा हुआ है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हमें मिल रहा है। तो क्या लोड रेजिस्टेंस के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है? ये आगे डिस्कशन में अपने आप से पता चल जाएगा, इसीलिए यहाँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर कोई बोले कि इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है फॉर आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम तभी होगा जब इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम होने का मतलब है कि यहाँ पर आर प्लस आर में से एटलीस्ट एक टर्म जीरो हो जाए, ठीक है। तो क्या जीरो हो सकता है? लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस आर कैन बी जीरो। लोड रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है बट इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर सेल की प्रॉपर्टी है। इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स बनाए, इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए हैं वो किस मटेरियल के हैं, अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, टेम्परेचर कितना है सेल का, तो इन सभी बातों पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये सेल की प्रॉपर्टी है। बट
लोड रेजिस्टेंस कैन बी जीरो, लोड रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो, यानी कि ये मैक्सिमम करंट हमें मिल सकती है किसी भी सेल से, ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बट इस कंडीशन में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा करंट की वजह से जो हमारा सेल है, जो सर्किट है, दैट कैन बी डैमेज्ड। तो इस कंडीशन को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जब लोड में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट सेल के दोनों टर्मिनल्स को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो सेल के दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, कनेक्टिंग वायर का जैसे पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, मतलब होता ही नहीं है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, लेकिन थ्योरेटिकली इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसका कनेक्टिंग वायर्स का, सर्किट में जो कनेक्टिंग वायर्स लगे होते हैं। तो ये प्राइमरी डिस्कशन है सेल्स के बारे में, जो ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट फॉर रिवीजन इसको किया गया है। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमें करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दो तरह से कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से करते हैं, सपोज ये हमारे पास एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी तरह और एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन के एंड्स हो गए, सपोज ये ए और ये सी, ये कॉम्बिनेशन के एंड्स हो गए। ए से बी के बीच में एक सेल लगा है, इसका E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। B से C के बीच में एक सेल लगा है, इसका इनर P2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो सेल्स को इस तरह से दिखाते हैं, सेल और उसके साइड में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दो सेल्स हमारे लगे हुए हैं, इनके EMFs हैं E1 और E2 और इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2। तो इन सेल्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही रास्ता है करंट से जाने के लिए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कई सारे सेल्स को मिलाकर के हम एक सेल बनाएंगे, एक इक्विवेलेंट सेल। तो कॉम्बिनेशन में सीरीज में भी कर सकते हैं, पैरेलल में भी। तो अभी हमने फिलहाल सीरीज में किया है। तो ये दो सेल्स का कॉम्बिनेशन हमें कितना नेट ईएमएफ हमें देगा, तो नेट ईएमएफ कितना आएगा ये हमें पता करना है। तो नेट ईएमएफ कैसे मालूम चलेगा, ईएमएफ इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना है, ए से सी तक कितना हमें नेट ईएमएफ मिल रहा है, ये हमें देखना है। तो ए से बी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है, ईएमएफ इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए से बी कितना हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है E1, और यहां से यहां बी से सी कितना मिल रहा है, बी से सी ये ईएमएफ मिल रहा है E2। लेकिन ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, क्या जितना ईएमएफ होता है उतना ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सेल मैक्सिमम एनर्जी दे रहा, क्या पूरी की पूरी एनर्जी हमें ए से बी तक मिल रही है, क्या बी से सी तक सेल जितनी एनर्जी दे सकता था मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि पूरा ईएमएफ हमें मिल रहा है, तो पूरा ईएमएफ हमें नहीं मिल रहा है, कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी, कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर खर्च भी हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेल का ईएमएफ माइनस सम पार्ट ऑफ एनर्जी व्हिच हैज बीन कंज्यूम्ड इनसाइड द सेल ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। और आई क्या है, आई ये जो एक ही रास्ता है करंट के जाने के लिए, यहाँ पर करंट है, इस रास्ते में करंट है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही कुछ लोगों को, थोड़ा चेक करते हैं, अभी आवाज क्लियर है, ओके।
ओके, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको शायद पता नहीं है, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्लास नहीं होगा क्या, तो उनको बता दो कि क्लास हो रहा है, यूट्यूब लाइव में हो रहा है, उन्होंने शायद ग्रुप में मैसेज चेक नहीं किया है। तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ जो लिखा हुआ है, लिखा लिखा है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। बस ऐसे याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट एनर्जी, ईएमएफ इज नथिंग बट एनर्जी। बस क्या डिफरेंस है, ईएमएफ इज द मैक्सिमम एनर्जी, ईएमएफ मैक्सिमम एनर्जी है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो एनर्जी हमें अवेलेबल है। तो मैक्सिमम एनर्जी का कुछ पार्ट सेल जो मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट हमारा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से सेल में ही खर्च हो जाता है। तो बाहर हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, तो जितनी एनर्जी सेल दे सकता है माइनस अंदर में जो एनर्जी खर्च हो रही है, आई आर वन। सिमिलरली यहाँ पर ई टू माइनस आई आर टू, ठीक है। तो ये हमने ए से बी तक कितनी एनर्जी हमें मिल रही है वो पता कर लिया, बी से सी तक कितनी एनर्जी मिल रही है वो पता कर लिया। तो ए से सी तक टोटल एनर्जी हमें कितनी मिल रही है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। तो कैसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो इसको हम लिखेंगे वी ए माइनस बी सी, ठीक है। वी ए माइनस बी सी, ए से सी तक कितनी एनर्जी मिल रही है, और वी ए माइनस बी सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो वो यहाँ से पता चलेगी। जैसे बी ए बी है, बी ए बी मतलब है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट कैन बी रिटन एज बी ए माइनस बी बी, एंड वी बी सी कैन बी रिटन एज बी बी माइनस बी सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। तो बी ए माइनस बी सी अगर चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ से देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, बी ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी सी। तो यहां से हमें देखो क्या मिल जाएगा, बी बी ये कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, हमें मिल गया बी ए माइनस बी सी, यानी कि बी ए माइनस बी सी हमें कब मिलेगा, जब हम इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को, इनको और इनको ऐड करेंगे। तो इनको और इनको ऐड कर दो, इनके वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज हैं, इनको ऐड कर दिया, तो ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू, ये हमने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ा इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ए से सी तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, बी ए सी, बी ए सी कितना मिल गया हमें, E1 प्लस E2, इसी को सिंपलीफाई किया जा रहा है, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, ये हमें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, जब हमने दो सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया, ठीक है। ओके, तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बजाय अगर हमसे कहा जाए कि एक सिंगल सेल यूज करिए आप, सिंगल सेल ए से सी के बीच में, इन दोनों को हटाकर एक सिंगल सेल यूज करें, तो और उतना ही करंट फ्लो हो रहा हो जितना यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें मिल जाए, तो फिर उस इक्विवेलेंट सेल के लिए अगर ये क्वेश्चन लिखी जाए तो कैसे आएगी, और एन इक्विवेलेंट सेल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, ए और सी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट सेल अगर यूज करें, और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए बी ए सी, लेकिन सेल एक ही यूज किया है, उसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट, उतना ही करंट हमें चाहिए जितना कॉम्बिनेशन दे रहा है, और इस सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सपोज आर इक्विवेलेंट, तो ये एक इक्विवेलेंट सेल है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें इससे मिल जाना चाहिए, सेम करंट मिल जाना चाहिए। तो सपोज इसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, तो अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो ये पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट सेल जो हम यूज कर रहे हैं उसका ईएमएफ कितना होना चाहिए और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो कंपेयर करते हैं 2 और 3 को,
कंपेयर टू एंड थ्री। तो ई इक्विवेलेंट यहां से हमें मिल जाता है, ई इक्विवेलेंट कितना मिल जाता है, ई वन प्लस ई टू। और सिमिलरली आर इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा आर वन प्लस आर टू कंपैरिजन करने से। तो इक्विवेलेंट सेल अगर हमने यूज किया सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह पर तो इतना हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर दो से ज्यादा सेल्स होते, दो से ज्यादा सेल्स होते, यहां पर मान लो एक सी और डी पॉइंट के बीच में और एक सेल इसी तरह लगा होता जिसका ईएमएफ होता ई थ्री इंटरनल रेजिस्टेंस होता आर थ्री और डी के बाद ई, ऐसे ही हम लगाते चले जाए सीरीज में, तो बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन से ई इक्विवेलेंट में अगर मान लो एन नंबर ऑफ सेल्स लगा दिए तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री इसी तरह ऐड होते चला जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इसी तरह से ऐड होते चला जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या रखना है कि नेट ईएमएफ जो होगा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो सेल्स के ईएमएफ का सम होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा। और एक यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सेल्स इस तरह से लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, करंट के डायरेक्शन पर ध्यान दें, करंट के डायरेक्शन पर, ये पहला वाला सेल है पॉजिटिव इसका टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। करंट के डायरेक्शन पर अगर ध्यान दें तो फर्स्ट वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकला ऐसे और इस सेल के भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकला, तो दोनों ही सेल करंट सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करवाते हैं। यहाँ भी देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है और E2 से भी लेफ्ट साइड में जा रहा है, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज हैं दोनों सेल्स के वो चार्ज को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। लेकिन अगर सेल किसी एक सेल का हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, पोलैरिटी अगर हम चेंज कर दें, मान लो कि इस वाले सेल की पोलैरिटी हमने चेंज कर दी, सेकंड वाले सेल की पोलैरिटी सपोज हमने अपोजिट कर दी पहले से, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल वाला इधर बना दिया टर्मिनल और पॉजिटिव पोटेंशियल वाला इधर, ये E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो अब अगर देखें तो सेकंड वाला सेल इस तरफ करंट भेजना चाहता है, यानी वो चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश करता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बॉक्स को अगर दो लोग पुश करें, अगर सेम डायरेक्शन में पुश करते हैं तो वो पुश यानी कि फोर्स ऐड हो जाता है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं तो वो फोर्स इनका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, अगर सेल्स की पोलैरिटी अगर हमने इस तरह से कर दी तो फिर ईएमएफ्स का सम जो होगा वो ई वन प्लस ई टू नहीं होगा, फिर ई टू क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहा है तो ई वन माइनस ई टू हो जाएगा। तो क्या याद रखेंगे कि करंट का डायरेक्शन देखेंगे कि सेल्स किस डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं तो उनके ईएमएफ्स को हमें ऐड कर देना है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई सेल करंट दे रहा है तो उसके ईएमएफ को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अलजेब्राइकली हमें ईएमएफ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एन नंबर ऑफ सेल्स होंगे इसमें एन टर्म्स ऐड कर देंगे और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में भी एन टर्म्स ऐड हो जाएंगे। नाउ वी सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन अब करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाते हैं, ये एक सेल है इसका ईमन ई वन और इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन और यहाँ एक दूसरा सेल इसका ईएमएफ है सपोज ई टू और इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू। ये दो सेल्स इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है तो इस तरह से दो ब्रांचेस बना लेंगे, एक ब्रांच ये ऊपर है और ये इस कॉम्बिनेशन के दो एंड्स हैं ए और सी, एक ब्रांच ये ऊपर से गया और एक ब्रांच नीचे से गया।
तो अगर करंट देखें फर्स्ट वाले सेल से, यहां से करंट फर्स्ट सेल हमें इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, सेकंड सेल का पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो ये सेल के पॉजिटिव से करंट स्टार्ट हुआ आई वन और इस सेल के पॉजिटिव से करंट स्टार्ट हुआ आई टू। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो पानी के पाइप से, इधर से पानी आ रहा है इधर से पानी आ रहा है और दोनों कंबाइन होकर इस तरफ जा रहा है। तो अगर आई वन इधर से आया और आई टू इधर से आया, दोनों करंट यहाँ पर एड हो जाते हैं, आई वन प्लस आई टू टोटल करंट, ये कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है आज। फर्स्ट सेल आई वन दे रहा है, सेकंड सेल आई टू दे रहा है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें जो टोटल करंट मिल रहा है दैट इज आई वन प्लस आई टू। तो आई वन इज द करंट फ्रॉम द फर्स्ट सेल एंड आई टू इज द करंट फ्रॉम द सेकंड सेल। तो फर्स्ट सेल जो हमें करंट दे रहा है उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल, सिमिलरली I2 इन टर्म्स ऑफ EMF ऑफ सेकंड सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या करंट की इक्वेशन होगी? ये अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, I इक्वल टू होगा E माइनस V बाय R, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है, करंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखना होगा कि हमें फर्स्ट सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, सेकेंड सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तब हम इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेल का ईएमएफ है E1, पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V1 फर्स्ट सेल के अक्रॉस और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू अगर लिखते हैं तो E2 माइनस V2 बाय R2, ठीक है। अब जरा इस पर ध्यान दें, V1 और V2 पर। V1 और V2 क्या है? V1 और V2 हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द टू सेल्स E1 और E2, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तुम लोगों को ध्यान होगा कि हमने जब शुरू में ही पढ़ा था तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एसोसिएट किया था पोटेंशियल एनर्जी से। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर हमें चाहिए होती है? जैसे हमें वाटर फ्लो कराना है, वाटर फ्लो कराना है तो क्या होता है, हाई लेवल से लो पोटेंशियल एनर्जी लेवल की तरफ वाटर का फ्लो होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर कह देंगे तो वहां पर वाटर की जगह हो जाएगा क्या, चार्ज। तो यहाँ पर अगर देखें जो हमारे दो सेल्स हैं वो कॉमन पॉइंट्स ए और सी के बीच में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बोले कि ए पर पोटेंशियल एनर्जी या कह लो पोटेंशियल बी ए है और सी पर बी सी है, तो चाहे हम इस रास्ते से देखें या चाहे इस रास्ते से देखें, दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं, ये बी ए पर है और ये बी सी पर है। तो दोनों पॉइंट्स नहीं बल्कि कहना चाहिए दोनों रास्तों में से किसी से भी जाए तो हमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। यहाँ भी बी ए माइनस बी सी मिलता है और यहाँ भी बी ए माइनस बी सी मिलता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले सेल के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना सेकेंड वाले सेल के लिए होगा। इट मीन्स बी वन और बी टू दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों सेल्स सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, V1 equal to V2 equal to V। तो हमारी ये equations में क्या हो जाता है, यहाँ पर E1 minus V1 की बजाय हम यहाँ V लिख सकते हैं और यहाँ भी E2 minus V2 की बजाय V लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, E1 minus V और यहाँ E2 minus V, ठीक है। ये दोनों currents की value आ गए, currents from the cells which are connected in parallel। तो ये दोनों currents के value अब यहाँ substitute करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब हमें क्या मिलता है, यहां से थोड़ा और सॉल्व करेंगे E1 by R1 और यहां से भी चलो पहले इसी को स्प्लिट कर लेते हैं, V by R1 और इधर E2 by R2 minus V by R2, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। फिर EMF वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, E1 by R1 plus E2 by R2। अब हमारे पास कौन से टर्म्स बचे, ये V वाले टर्म्स बचे, इनमें से V को कॉमन ले लेंगे तो 1 by R1 plus 1 by R2। तो ये हमारा नेट करंट की वैल्यू आ गई, नेट करंट वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसको हम लिख लेते हैं आगे एनालिसिस करने के लिए,
अटेंडेंस के लिए नाम नोट कर लिया जाएगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेजल विल नोट द अटेंडेंस। सेजल अटेंडेंस नोट कर लेना, इधर जो लोग दिखाई दे रहे हैं इनके नाम नोट कर लो। चैट में सब लोग अपना अटेंडेंस बता देंगे, जो भी प्रेजेंट है सब लोग चैट में एक एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी चैटिंग एंजॉय कर रहे थे उनका तो पता ही है तो कौन कौन लोग हैं, उनके नाम याद भी रखे, उनसे बात की जाएगी बाद में कि उनको चैटिंग इम्पोर्टेंट था या सब्जेक्ट पढ़ना। ठीक है, दैट विल टॉक लेटर। तो हमारा करंट ये आ गया E1 by R1 plus E2 by R2 minus V1 by R1 plus 1 by R2. This is current from the combination of the two cells in parallel. अब equivalent EMF अगर पता लगाना है इस combination का तो हम क्या करेंगे, एक single cell use करेंगे, single cell which will give same current and same potential difference between those two points, जैसा पहले किया था उसी तरह से। तो for an equivalent cell, एक equivalent cell लिया, same current हमें मिलना चाहिए, ठीक है? और उसके लिए equation क्या होगी? EMF होगा equivalent minus V, जितना यहाँ potential difference था उतना ही equivalent cell से मिलना चाहिए, और internal resistance उसका होना चाहिए R equivalent। थोड़ा और solve करेंगे तो आ जाएगा E equivalent by R equivalent minus V by R equivalent। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, सेम करंट एंड दिस पार्ट इज ईएमएफ, इसके डायमेंशंस अगर देखें तो ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो यहां पर आ रहा है, सेम डायमेंशन वाला टर्म ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पोटेंशियल डिफरेंस और डायमेंशनली अगर देखें पोटेंशियल डिफरेंस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो E equivalent हमें मिलेगा इस वाले टर्म से और R equivalent मिलेगा इस वाले टर्म से। ठीक है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर 2 and 3, 2 और 3 को कंपेयर किया तो पहले इसको कंपेयर कर लें, इजी है। तो इसको देखें अगर तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं V into 1 by R equivalent, तो V के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है that is 1 by R equivalent, तो यहां पर आ जाएगा V के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज 1 बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इस इक्वेशन से हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी R इक्विवेलेंट की वैल्यू, अगर इसको LCM लें सॉल्व करें दैट यू कैन डू योरसेल्फ, तो कितना आ जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा, नंबर 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब इस वाले टर्म को कंपेयर करें, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट को इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। यहां से अगर E equivalent निकाला तो आ जाएगा R equivalent E1 by R1 plus E2 by R2। ठीक है, ये आ जाएगा R equivalent की वैल्यू वाली यूज कर लेंगे यहां पर तो और सिंपलीफाई हो जाएगा। R1 R2 by R1 plus R2, ये क्या किया हमने, R equivalent की वैल्यू को यहां से कर दिया और इसे भी आगे सॉल्व कर लें, E1 R2 plus E2 R1 all divided by R1 R2, तो ये डिवाइड हो गए R1 R2, तो E equivalent हमें मिल गया E1 R2 plus E2 R1 इधर R1 plus R2। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो ये डिस्कशन है, इसमें हमने किया क्या, इसमें हमने किया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कैलकुलेशन।